तो सलाम वालेकुम गाइस, पब्लिक कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग जो है शुरू करते हैं। तो अभी जो है इस टाइम बेंसों को खोला हुआ है, हल्की हल्की सी बारिश और बादल वाला मौसम, काफ़ी बादल है। जो गंदम वगैरह है वो जब से आपको दिखाई है कटाई वगैरह उसकी तकरीबन बंद ही हो गई है। बाकी कल जो भी नीचे लेटी हुई गंदम थी ना, उसको इस तरह जो है सीधा किया है ताकि जो पानी उसके अंदर था रसा हुआ वो बाहर निकल जाए। बाकी जो अभी तक है कटाई वगैरह नहीं हो रही क्योंकि बारिश वाला मौसम है, तो बारिश के मौसम में जब कटाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा और नुकसान हो सकता है, तो जिस वजह से कटाई वगैरह नहीं हो रही। बाकी तो आपको दिखाते हैं अभी भैंस वगैरह को ले चलते हैं। तो अभी जो गोट्स पैर आए हैं वो उनको अंदर ही बांधा हुआ है क्योंकि बारिश है ना, तो जो गोट्स हैं वो अगर भीग जाए तो बीमार वगैरह हो जाती है, तो इसलिए जो है गोट्स को अंदर ही बांधा हुआ है। तो अभी जो देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा है, सब्जा ही सब्जा है पर बाकी तकरीबन हर तरफ जो है बादल ही बादल ही। फाइनली गाइस ये भैंसें जो है चल रही हैं। बाकी ये इलाका देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा हमारा इलाका है। गांव में, गांव में तो सारी बात है, जहाँ भी गांव है वो हर साइड जो है बहुत ही प्यारी होती है। तो हमारा भी गांव जो है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। तो बाकी जो बारिश है वो अभी भी जो है हल्की हल्की सी लगी हुई है, तो लेकिन बेंसेम वगैरह जो है ना ये बारिश में जो है हल्की हल्की इस बारिश में जो है चरती रहती हैं, घास वगैरह खाती रहती हैं, इनका इतना इशू नहीं होता। लेकिन जो गोट्स वगैरह होते हैं उनका ज़्यादा मसला होता है क्योंकि गोट्स वगैरह जो है ना उनको हम खोल नहीं सकते, अगर भीग जाएँ तो बीमार हो जाती हैं, तो बीमार हो जाएँ तो फिर दवाई वगैरह काफ़ी ख़र्चा वगैरह आ जाता है। तो इन्हें फटाफट से दूसरी साइड पे करता हूँ ताकि उस साइड पे चली जाए, तो बीच सड़क में ना आए। तो मिलता हूँ फिर देर के बाद। तो अभी ये वाली जो है पानी वगैरह पी आई थी, बाकी जो है दूसरी भी जा रही है पानी, अगर दिल हुआ तो पियेंगे, लेकिन ना हुआ तो फिर जो है दूसरी सामने वाली साइड है वहाँ पर चली जाएंगी। तो बाकी वो भी अभी आ रहे हैं, तो अभी देख सकते हैं पानी के अंदर जो बारिश पड़ती है तो महसूस कैसे होता है कि बारिश अभी लगी हुई है। तो बाकी अभी कैमरे में इतनी नहीं है कि नज़र आ जाए। बाकी ये भी धनु आ रहे हैं, अभी ये जो पानी पी चुकी है वो चली गई है, इसने अभी पानी नहीं पिया था तो पानी पी रही है। बाकी अभी घर चलते हैं, घर जाकर आपको गोट्स वगैरह दिखाता हूँ। जो है हमारा डॉगी ये रहा, एक दूसरा है वो नीचे शायद मैंने बांधा था रात को, उसको रात को आया, आज बांधा हुआ था, क्या पता अभी खुला हुआ है या बांधा हुआ है, किसी ने खोल ना दिया हो। बाकी ये देखिए ये इधर घास वगैरह खा रहे, तो बाकी गोट्स वगैरह यहाँ हैं। तो ये वाइट वाली का बेबी बैठी हुई है जैसे, तो इधर वो बाकी जो सारी बनी है ये आराम से लेटी हुई है हल्की बैठी हुई। तो अभी जो है आपको दिखाते हैं,
तो बाकी जो है गाय वगैरह इधर बांधी हुई अंदर है, इनको जो है रात को अंदर ही बांधा हुआ था, तो डागी जो है वो किसी ने खोल दिया। तो वो देखिए वो सामने बैठे हुए हैं हमारे डांगी। तो बाकी जो है अभी जो है मैंने ये बदर वगैरह जो है लाया, रस्सी वगैरह जो आती है तो इसमें जो ये लुकड़ियाँ हैं ना ये काफ़ी जो है बिखरी हुई हैं, तो अभी जो है लुकड़ियाँ इसमें डालूँगा और जो है इसे इसमें लुकड़ियों को बंद करके ना ये जिस तरह पलियार वगैरह देते हैं ना इस तरह इन्हें लगा दूंगा। तो फटाफट से मैं डालता हूँ लुकड़ियाँ। तो لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نالا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما أبانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج ازداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لالا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ابي جاي باندي अभी ये देख सकते हैं ये जो थी लुकड़ियाँ वगैरह मैंने बांध ली, तो अभी इन्हें थोड़ी देर तक जो है ले चलता हूँ। तो जो आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि अकेला बंदा हूँ, तो अकेले जब होता है तो जब कोई बारिश वगैरह उठा लें तो इतनी वीडियो नहीं बन सकती। बाकी ये नदी वाला एरिया देखिए कितना प्यारा है। तो नदी में इस टाइम जो है पानी वगैरह को वो जो है ना कम हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहा है, आगे फिर बारिशें हो जाती हैं वापस तो फिर जो है पानी वगैरह वापस जो है काफ़ी बहाल हो जाता है। तो अभी जो है इसे फटाफट से ले चलता हूँ। जो वह ले गया था गड्ढा वगैरह तो और ले आया हूँ, तो अभी और बांधेंगे ना, तो और इनको बांधेंगे, इधर से ख़त्म करने का इरादा है क्योंकि एरिया वगैरह जो है वो काफ़ी साफ़ हो जाएगा। अभी इधर भी पड़ी हुई है लेकिन इधर चलो ये है कि इधर जगह प्लेन नहीं है, इधर प्लेन जगह है तो इधर नीचे घास वगैरह भी है, घास जो है गाय वगैरह भी खा लेंगी। तो फटाफट से ये बांध लेते हैं, तो मिलते हैं। तो अभी जो है एक और बांध ली है, तो ये इधर से काफ़ी उठाई है इधर से और इधर से, तो काफ़ी एरिया जो है खाली हो चुका है, तो इसे भी जो है
फटाफट से उसी जगह पे ले चलते हैं जहाँ पे दूसरा ले गया जो है, इधर रख दिया क्योंकि जो बकरियाँ वगैरह थी वो बूटे वगैरह देखें इस तरह जो पौधे होते हैं ना वो खा जाती थी। तो अभी ये डॉगी मैं, तो अभी जो है टाइम आ गया गोट्स को खोलने का। तो फटाफट से जो है मैं गोट्स वगैरह जो है खोल देता हूँ। अभी जो है इनको खोल लिए तो अभी ये जा रही है चरने वगैरह। तो गाय वगैरह जो अंदर है तो इधर से जो है काफ़ी एरिया अभी कुछ बेहतर लग रहा है क्योंकि बहुत ही वो लकड़ियाँ जब ज़्यादा पड़ी होती हैं इस तरह तो जगह उन्होंने वैसे ही घेरी होती है तो रास्ता जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अभी जो है इधर गाय वगैरह भी जो है ईजीली जो है खा पी सकेंगी घास वगैरह यहाँ से। तो अभी जो है मैं गोट्स वगैरह को जो है ले जा रहा हूँ तो इन्हें जो है खिलाने पिलाने के लिए। ये जो होते हैं ना ये पत्ते वगैरह जब खाती हैं ना तो इनकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहती है। साथ में गितावा भी डाल देते हैं तो इस तरह। तो अभी ये काफ़ी जो है पौधे वगैरह जो है पत्ते वगैरह नए निकाल रहे हैं तो जैसा कि वो सामने वो जो है दरख्त है ये वाला ये बहुत सही करके जो है गोट्स वगैरह खाती हैं बहुत अच्छा लगता है इन्हें। तो इन्हें फटाफट से मैं चरा लेता हूँ। तो वीडियो को रखता हूँ अभी यहीं तक ही तो बाकी बनाएंगे बाद में। तो ये देखिए अभी कितने मज़े में जा रही हैं सब। और वाइट वाली ये जो वाइट वाले की बेबी है ना उन्हें जो है मैं अंदर कराया था उन्हें नहीं लाया। तो अगर उन्हें साथ लाता तो छोटे होते हैं ना छोटू को भी हम इतने जल्दी नहीं खोते। तकरीबन अगर खोलना भी होता तो तकरीबन 4 महीने तक जो है हम नहीं खोलते उसके बाद जो है खोलते हैं। बाकी उनको पत्ते वगैरह जो भी हैं वो थोड़े थोड़े करके जो है घर वगैरह ले आते हैं तो इस तरह जो है उन्हें डाल देते हैं। तो छोटे हैं खाते भी थोड़ा हैं तो घर ईजीली खा लेते हैं तो इस वजह से खोलते नहीं हैं। अगर वो थक जाए ना तो इतना वो सेहत का असर इन सेहत इनकी इतनी सही नहीं रहती तो इस वजह से नहीं खोला जाता। तो मिलते हैं बाद में। अभी वो हमारा डॉगी भी इनके साथ आया हुआ ये नीचे घूम रहे। तो गाइस जो मौसम वगैरह है वो काफ़ी सूरत हाल जो है बेहतर हो रही है। अभी जो है बादल वो ब्लैक वाले जो होते हैं वो कम हो गए अभी वाइट वाले ज़्यादा हैं लेकिन ये भी क्या अब तक ख़त्म हो जाएं। अगर ये ख़त्म हो गए तो आज से फिर जो है गंदम की कटाई वगैरह हम रात को स्टार्ट कर देंगे। तो अगर बारिश हुई तो फिर अभी नहीं करेंगे क्योंकि आगे ईद वगैरह भी है ना। तो मोस्टली जो हमारे गाँव में गन्ना वगैरह है वो कटाई बहुत कम की स्टार्ट है तो इस वजह से हम नहीं करेंगे। बाकी अगर देखते हैं जो बाकी देखते हैं अगर बारिश ना हुई ना तो फिर जो है स्टार्ट कर देंगे। तो बाकी हमने वो हाथों में जो मशीन होती है ये हम तो दरांती से काटते हैं बाकी जो दूसरी हाथों वाली मशीन होती है वो लाएंगे और उससे कटाई करवाएंगे। तो अभी जो है गोट्स वगैरह साथ है अभी जो है 5 बजे का टाइम हो गया। गाय इधर बंद हुई है डॉगी भी करा इधर है। तो अभी जो है गोट्स वगैरह को खोलते हैं तो इन्हें जो है चराने के लिए फिर चलता हूँ। तो अभी के जो है मैं
शहर वगैरह को चला गया था, तो जो वीडियो वगैरह है वो कम बनी है अभी तक। तो बाकी आपको दिखाते हैं कि बेंसन को जो है ले जा रहा हूँ, इधर से ऊपर हो गई है। तो बाकी आज 28वां रोज़ है, तो बहुत जल्द जो है रमज़ान मुबारक जो है अलविदा होने वाला है। तो बाकी ये देखिए अभी जो है धूप वगैरह निकल रही है, इस तरफ काफ़ी बादल वगैरह भी हैं इस सामने, लेकिन बारिश का कोई सीन नहीं है अभी जो है। क्या होता बाद में क्या होता है। अभी जो है फटाफट से चलते हैं, आपको दिखाता हूँ उनको केबे से जो है किधर। अभी मुझे लगता है वो सीधी जो है कार चली थी, तो आगे जा तो फैमिली के जो बेंस है वो घर के बिल्कुल पास पहुँच गई थी। बहुत तेज़ आई है मुझसे, मैं रुक गया था थोड़ी देर। अभी जो है देख सकते हैं आ चुकी है। अभी जो इनको फटाफट से जो बांधते हैं, फिर जो है दूर वगैरह निकाला जाएगा। तो मिलते हैं बाद में।